25 मई वर्ष 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के जौलगांव में हुआ। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। राजशाही के विरुद्ध आंदोलन करके शहीद होने वाले सुमन जी उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनकारी थे। जनता की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने 1937 में गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की। आगे चलकर यह हिमालय सेवा संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब उनको 29 अगस्त 1942 को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर मुनि किरेती जेल भेज दिया गया। 15 माह जेल में रहने के बाद नवंबर 1943 को ये रिहा हुए। इसी बीच टिहरी रियासत ने टिहरी की जनता के ऊपर जुल्मों की सारी हदें पार की थी। श्रीदेव सुमन टिहरी की जनता के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन्होंने जनता और रियासत के बीच सम्मानजनक संधि का प्रस्ताव भी दरबार को भेजा, लेकिन रियासत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने 3 मई वर्ष 1944 को ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल प्रशासन ने इनका मनोबल डिगाने के लिए कई मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, लेकिन वे अपने अनशन पर डिगे रहे। रियासत के जुल्मों से लड़ते हुए श्रीदेव सुमन 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को पहाड़ी संस्कृति और देश के लिए अपने प्राण त्याग कर शहीद हो गए।